Hello friends, welcome back to our channel guruapu.com. I am Poonam Soni, Assistant Professor, IT Department. Today we will see how can we minimize a given automata. Minimize how can we do it? Minimization ki waise, requirement kya hai? कि कई बार क्या होता है कि हम दो से स्टेट्स हैं दोनों में जीरो के इनपुट पे भी सेम स्टेट पे जा रहा है वन पे भी सेम पे जा रहा है फिर नेक्स्ट स्टेट जो है उससे भी जीरो के इनपुट पे सेम स्टेट पे जा रहे हैं और वन के इनपुट पे भी हम सेम टाइप की स्टेट पे जा रहे हैं तो इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होती हैं जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हमें गिवन है रेगुलर लैंग्वेज हमें गिवन है एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो हो सकता है शायद अगर मैं ये टास्क किसी को दूं तो एक अलग फाइनाइट ऑटोमेटा सामने आए फिर कोई और अगर कर रहा है उसको तो अलग ऑटोमेटा सामने आए फिर अलग ऑटोमेटा सामने आए ये कैसे होता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो रिपीटेड भी हो सकती हैं कई बार डेड स्टेट्स भी डाल देते हैं कई बार अनरीचेबल स्टेट्स भी होती हैं तो इसमें क्या है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा ये तीनों फाइनाइट ऑटोमेटा दिए और बोला इसका मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा बनाना है तो इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन इट विल बी यूनिक मतलब एक ही बनेगा कि आप अगर ये तीनों फाइनाइट ऑटोमेटा सेम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं और हमने बोला कि इनका एक मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा बनाना है तो मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा यूनिक होगा मतलब एक ही होगा तो अगर मैंने चार लोगों को दिया ये तीन ऑटोमेटा दिए चार लोगों को मैंने कि आपको इसका मिनिमाइज बनाना है तो मिनिमाइज सबके लिए सेम होगा लेकिन अगर चारों लोगों को मैंने यही रेगुलर एक्सप्रेशन दिया तो हो सकता है वो लोग फाइनाइट ऑटोमेटा इसका अलग बना दे हो सकते हैं अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटा तो मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं कि हमें इतने स्टेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में हम ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं और वो ऑब्वियसली आपको एक यूनिक और यूनिक सोल्यूशन दे रहा है जिससे आप जज भी कर सकते हैं कि वेदर जो हमने ऑटोमेटा बनाए हैं वो इस मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा हम क्रिएट कर सकते हैं अब मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने की ज़रूरत है जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टेट्स तो अभी तक जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्टेट्स देखी हैं इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट या ऑर्डिनरी स्टेट्स लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा तो उस टाइम पर हमें क्या करना है एक्चुअली मिनिमाइजेशन होता क्या है वी जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स अननेसेसरी जो स्टेट्स हमारी यूज हो रही हैं किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें उनको रिड्यूस करना है इधर बाय रिमूविंग देम टोटली हम उनको रिमूव कर सकते हैं और बाय मर्जिंग देम इनटू अ सिंगल सेट मोर देन वन स्टेट जो सिमिलर बिहेवियर दिखा रही हैं उनको हम कंबाइंड कर सकते हैं तो इस तरीके से हम किसी भी ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं तो मिनिमाइज ऑटोमेटा क्रिएट करने के लिए जो हमें डिफरेंसेस ऑफ द स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए तो बेसिकली अपने पास में तीन तरह की स्टेट्स निकल के आती हैं जिनको हम मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा भी होती हैं प्रोडक्टिव स्टेट्स जिनको मिनिमाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते कि मतलब वो यूनिक स्टेट्स हैं उनका रहना कंपलसरी है ऑटोमेटा में उनका अलग रहना ज़रूरी है ठीक है तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं या जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं दो स्टेट्स आर फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेट इज डेड स्टेट then unreachable states and equal states dead states unreachable states or equal states इनको generally non-productive states भी हम बोल सकते हैं अगर हमें single definition देना है इनके लिए तो it can be non-productive states हम इनको बोल सकते हैं जो इंडिविजुअली रह के कोई ऐसा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं तो डेड स्टेट अनरीचेबल एंड इक्वल स्टेट अब डेड स्टेट कौन सी होती हैं डेड स्टेट्स आर द स्टेट्स विच विल नेवर रीच द फाइनल स्टेट एक बार अगर हम उस स्टेट पे पहुंच गए तो हम कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते सच स्टेट्स आर वॉट डेड स्टेट्स और डेड स्टेट्स आपके सिस्टम में मोर देन वन भी हो सकती है मोर देन वन भी हो सकती है जनरली यही रिकमेंडेड होता है कि डेड स्टेट्स को हमें रिमूव नहीं करना है बिकॉज दे मेक्स आर ऑटोमेटा
कंप्लीट, वो हमारे ऑटोमेटा को कंप्लीट करती हैं. तो एग्जांपल हम जैसे अगर लेना चाहें डेड स्टेट का, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टेट क्यू नॉट और ये हमारा क्यू टू हमने इसको मान लिया, ये फाइनल स्टेट है हमारा. और एक हमारे पास में है क्यू वन स्टेट. ज़ीरो के ट्रांजिशन पे हम यहाँ जा रहे हैं और वन के ट्रांजिशन पे सपोज हम यहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर वन का ट्रांजिशन लग रहा है तो हम क्यू वन पे जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने क्यू नॉट पे ज़ीरो अप्लाई किया तो यू आर रीचिंग द फाइनल स्टेट. फिर आप कितने भी वन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर क्यू ज़ीरो पे आपने वन अप्लाई कर दिया, द ट्रांजिशन इज़ गोइंग टू क्यू वन, क्यू वन पे आप जा रहे हो. बट क्यू वन पे जाने के पास बाद में डू यू हैव एनी ट्रांजिशन फ्रॉम देयर? नो ट्रांजिशन. आप वहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मतलब कहीं नहीं जा सकते तो आप फाइनल पे नहीं जा सकते. तो जिस स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए कोई ट्रांजिशन ना हो रहा हो, दो स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज डेड स्टेट्स. और उन वैसी स्टेट्स को या तो हम कंबाइन करके एक जगह रख सकते हैं, जैसे अगर सपोज हमारे ऑटोमेटा में तीन डेड स्टेट्स हैं तो उनको हम कंबाइन करके सिंगल स्टेट बना दें, और या फिर हम उनको जनरली यही होता है कि डेड स्टेट्स को आपको कंबाइन करके सिंगल स्टेट रखना है जो आपके ऑटोमेटा का वर्किंग को कंप्लीट कर रही है, दैट स्टेट. ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है, नेक्स्ट टॉक इज अबाउट द अनरीचेबल स्टेट्स. अनरीचेबल स्टेट्स कौन सी होती हैं? तो अनरीचेबल स्टेट्स आर द स्टेट्स वेयर वी कैन नॉट रीच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, जहाँ पे हम इनिशियल स्टेट से नहीं पहुँच सकते. तो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें, वैसे हम अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट वी ऑलरेडी हैव एन एग्जाम्पल. ये जो क्यू थ्री है आप इसको देख सकते हैं, दिस इज अनरीचेबल. इस पे आप कभी नहीं जा सकते, आप किसी भी रास्ते से नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी इनकमिंग एरो है ही नहीं. आप क्यू नॉट से बाकी सब स्टेट्स पे जा सकते हैं. देखिए, क्यू नॉट से क्यू वन पे हम जा सकते हैं, क्यू नॉट से क्यू टू पे हम जा सकते हैं, क्यू नॉट से क्यू थ्री पे हम नहीं जा सकते, नो वे. क्यू नॉट से क्यू फोर पे हम जा सकते हैं फ्रॉम दिस वे. क्यू नॉट से क्यू फाइव पे हम जा रहे हैं डायरेक्टली. क्यू नॉट से क्यू सिक्स पे भी पाथ है. क्यू नॉट से क्यू सेवन पे भी पाथ है, लाइक दिस वन. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि रिमेनिंग सारे स्टेट्स में हम क्यू नॉट से जा रहे हैं, पॉसिबल पाथ्स हैं, बट देयर इज नो सच पाथ फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू थ्री. तो क्यू थ्री आपका बन जाता है अनरीचेबल स्टेट्स, और अनरीचेबल स्टेट्स के लिए रिकमेंडेड है दैट यू कैन कम्प्लीटली रिमूव दोज स्टेट्स फ्रॉम योर ऑटोमेटा. आप उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं. डेड स्टेट्स के लिए क्या रिकमेंडेड है? दैट आप कितनी भी स्टेट्स हों आपके सिस्टम में डेड स्टेट्स, उनको सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए. ठीक है, अनरीचेबल के लिए देर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन. आप अनरीचेबल स्टेट्स को कम्प्लीटली अपने ऑटोमेटा से रिमूव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी ऑफ इक्वल स्टेट्स. इक्वल स्टेट्स क्या होती हैं? अब इक्वल स्टेट्स के अंदर इट्स नॉट लाइक कि उनका नेम इक्वल होना चाहिए या फिर वो सेम स्टेट पर ट्रांजिशन करनी चाहिए. नो, इक्वल स्टेट्स क्या कहती हैं? अगर कोई भी दो स्टेट किसी इनपुट पे या तो फाइनल स्टेट पे जा रही हैं या फिर वो नॉन फाइनल पे जा रही हैं. इक्वल स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं देखते. व्हाट वी सी द नेचर ऑफ द स्टेट, वी सी द बिहेवियर ऑफ द स्टेट जिस पे वो जा रही है, वेदर दोज आर नॉन फाइनल, वेदर दोज आर फाइनल फर्स्ट केस में. फिर उसके बाद में अगर हमने और फर्दर डिवाइड किया उसको स्टेट्स को, तो हम बोल सकते हैं कि सेम सेट ऑफ स्टेट्स में उसका ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा. तो दैट विल बी व्हाट इक्वल स्टेट्स. इसको हम डायरेक्ट हमारे एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे. तो इक्वल स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं. जो स्टेट्स किसी पर्टिकुलर इनपुट पे सेम टाइप ऑफ स्टेट पे ट्रांजिशन कर रही है उनको हम मर्ज कर सकते हैं, उनको हमें एलिमिनेट नहीं करना है. तो लेट्स सी इट बाय द एग्जाम्पल, हाउ कैन वी मिनिमाइज द ऑटोमेटा. फर्स्ट वी हैव टू चेक फॉर द डेड स्टेट्स. तो अगर हम इस ऑटोमेटा की बात करें तो यहाँ पे अभी एज सच कोई डेड स्टेट नहीं है जहाँ से आप फाइनल पे नहीं जा सकते हैं. हम देखेंगे कि डेड स्टेट्स के लिए, डेड स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ से आप फाइनल पे कभी नहीं पहुँच सकते. तो क्यू ज़ीरो को हम देखें तो क्यू ज़ीरो से हम पहुँच पा रहे हैं फाइनल पे. क्यू वन को अगर हम देखें तो क्यू वन से भी हम पहुँच पा रहे हैं फाइनल पे. क्यू टू इट सेल्फ इज़ द फाइनल स्टेट. क्यू थ्री से अगर हम देखें तो हम पहुँच पा रहे हैं क्यू थ्री से भी फाइनल पे. क्यू फोर से अगर हम देखें तो दो ट्रांजिशंस के अंदर हम क्यू फोर से भी पहुंच पा रहे हैं. क्यू फाइव से सिंगल ट्रांजिशन में पहुंच रहे हैं. क्यू सिक्स से भी यहाँ पे एक पाथ है अपने पास में वाया क्यू फोर हम पहुंच पा रहे हैं. और क्यू सेवन से भी देयर इज़ अ पाथ
जहाँ से हम पहुँच सकते हैं, या फिर Q7 से डायरेक्ट अपने पास में पाथ है Q2 के लिए. तो देयर आर दीज ऑल आर द स्टेट्स फ्रॉम विच वी कैन ट्रांजिट टू द फाइनल स्टेट. ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ से हम फाइनल स्टेट पे पहुँच सकते हैं. तो इनमें डेड स्टेट कोई भी नहीं है, पहली चीज़. दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है अनरीचेबल स्टेट्स. तो अनरीचेबल कौन सी हैं, जहाँ पे हम इनिशियल स्टेट से नहीं पहुँच सकते. तो अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेट से हम Q3 पे नहीं पहुँच सकते, तो इस स्टेट को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं. तो हमने किया कि हमने डायरेक्टली इस स्टेट को अपने सिस्टम से रिमूव कर दिया. देयर इज नो नीड ऑफ सच स्टेट. ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा हो चुका है जिसमें हमने अनरीचेबल स्टेट को देखा और हमने उसको एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली. अब हम बात करेंगे इक्वल स्टेट्स की, कि इक्वल स्टेट्स इसमें अब कौन सी हैं. तो इक्वल स्टेट्स करने के लिए, इक्वल स्टेट्स सर्च करने के लिए हमें हमारे ऑटोमेटा को डिवाइड करना होगा इन टू सेट्स. टू सेट्स में हमें उसको डिवाइड करना है. उस सेट को वी कैन कॉल पाइनॉट. पाइनॉट हम इसको बोल सकते हैं, या फिर क्यू नॉट, पाइनॉट, जो भी आप बोलना चाहे, जो भी आप नेम देना चाहे. फर्स्ट सेट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको अपने ऑटोमेटा का डिवीजन कैसे करना है, कि फाइनल स्टेट्स को एक सेट में रख लीजिए और नॉन फाइनल स्टेट्स को एक सेट में रख लीजिए. तो ये वर्क अगर हम करें तो फाइनल स्टेट हमारे सिस्टम में कितनी है, ओनली अ सिंगल स्टेट विच इज Q2. तो Q2 हमने यहाँ रख ली. ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने बोला कि सारी नॉन फाइनल को एक में रख लीजिए. तो सारी नॉन फाइनल को हम एक में रख लेते हैं. Q2 फाइनल में आ चुका है, Q3 हट चुका है, Q4, Q5, Q6 एंड Q7 ये अपने पास में आप दो सेट्स बन गए, जो क्या कह रहे हैं, दिस इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड दिस इज द सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स. अब हमें नेक्स्ट पाई का वैल्यू निकालना है. हम उसको 1π1 भी बोल सकते हैं, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको. जो क्या कह रहा है कि अब हमें जो भी सेट ऊपर वाले में मिला है, हमें ऊपर पाई नॉट में हमें जो भी सेट ऑफ स्टेट्स मिला है, उसके अंदर अगर किसी में मोर देन वन एलिमेंट है तो हमें उसको बायफकेट करना है, हमें उसको आगे फर्दर डिवाइड करना है. किस बेसिस पे, कि कौन से स्टेट सिमिलर टाइप ऑफ स्टेट्स पे जा रही हैं और कौन से स्टेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स पे जा रही हैं. तो इसको हम रफ वर्क में यूज़ कर सकते हैं. अब हमें सेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम π1 बना रहे हैं. ठीक है, तो इसका बेसिक एक क्या है, क्या कहता है ये, कि आप इसके ये काम करने के लिए, बायफकेशन करने के लिए, आप अपने ऑटोमेटा का ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं. ट्रांजिशन टेबल में भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है. और अगर ट्रांजिशन टेबल आप नहीं बनाते हैं तो आप डायरेक्टली अपने फाइनाइट ऑटोमेटा से भी चेक कर सकते हैं. चेक क्या चीज़ करनी है, ऑन द इनपुट ऑफ 0, हमारे यहाँ पे इनपुट कितने हैं, 2 हैं, 0 और 1. तो ऑन द इनपुट ऑफ 0 एंड ऑन द इनपुट ऑफ 1 हमारे ट्रांजिशंस कौन सी स्टेट से कौन से सेट में हो रहे हैं. तो अगर हम बात करें, अब हमें आगे क्या करना है, हमें चेक करना है. देखिए, हमने क्या करना है, पाई वन के अंदर हम जो सिंगल स्टेट वाले सेट हैं उनको एज इट इज़ ले सकते हैं. तो पाई वन के अंदर एक तो कौन आ गया, Q2 आ गया, क्योंकि इसको हम फर्दर बायफकेट नहीं कर सकते हैं और इसमें ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट है. अब हम बोलेंगे कि जो दूसरा सेट है हमारा, उसमें हमने Q0 ले लिया. ठीक है, अब Q0 के साथ उसकी इक्वलेंट स्टेट्स आएंगी जो उसके इक्वल हैं. तो इक्वल हम कैसे चेक करेंगे, 0 और 1 हमने इनपुट रख दिया जो हमारे इनपुट्स थे. अब हमने बोला कि 0 के इनपुट पे Q0 कहाँ जा रहा है. तो आपने बोला कि जब आपने 0 अप्लाई किया तो Q0 कहाँ जा रहा है, Q1 पे. तो 0 पे Q1 पे जा रहे हैं. मतलब हम ये बोल सकते हैं वी आर रिमेनिंग इन टू द सेम सेट. हम सेम सेट में ही रह रहे हैं. ठीक है, फिर हमने बोला कि हम चेक कर रहे हैं कि Q0 और Q1 इक्वल है या नहीं है. Q0 Q1 को हमें चेक करना है. तो अब हम बोलते हैं कि Q1 ऑन द इनपुट ऑफ 0 कहाँ जा रहा है. तो Q1 ऑन द इनपुट ऑफ 0 इज गोइंग टू Q6. अगेन दिस ऑल्सो गोइंग इन टू द सेम सेट. सेम सेट में ही है ना, Q0 और Q1 और Q6 सेम सेट में है, तो सेम सेट में ही जा रहे हैं. मतलब ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, Q0 और Q1 सेम सेट में जा रहे हैं. ये भी इसी सेट में जा रहा है और ये भी इसी सेट में जा रहा है. ठीक है,
अब हम देखेंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वन ये कहा जा रहा है. तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वन अगर हम क्यू जीरो की बात करें तो इट इज गोइंग टू क्यू फाइव. तो क्यू जीरो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ये सेम सेट में जा रहा है, ठीक है. अब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑन क्यू वन ये जा रहा है कहाँ, क्यू वन कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे, ठीक है. ये यहाँ पे जा रहा है क्यू टू पे, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखोगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ वन ऑन क्यू जीरो, क्यू जीरो पे जब हमने लगाया तो वो कहाँ गया, क्यू फाइव पे. वहीं जब हम क्यू वन पे हमने वन लगाया, क्यू वन पे हमने वन लगाया तो ये कहाँ गया, क्यू टू पे. ये अलग सेट में चला गया, ये तो देखो यही जा रहा था, ये अलग सेट के अंदर चला गया. मतलब क्यू जीरो को क्यू वन के साथ नहीं रहना है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं यहाँ से. तो हमने अलग सेट बनाया, क्यू वन को हमने सेपरेट डाल दिया, अलग से हमने उसको रख दिया. तो आप देखेंगे कि क्यू वन को क्यू जीरो के साथ नहीं रहना था, क्यों, क्योंकि ऑन द ट्रांजिशन ऑफ वन ये इधर सेम सेट में जा रहा है जबकि ये डिफरेंट सेट में जा रहा है, तो क्यू वन को हमने अलग कर दिया. अब हम देखेंगे कि क्यू जीरो के इक्विवेलेंट और कौन है, क्यू जीरो के साथ हम और किसको रख सकते हैं. तो क्यू जीरो के साथ हमने चेक किया, सपोज क्यू फोर को हम चेक करते हैं तो क्यू वन के एजेस हम रिमूव कर सकते हैं. क्यू वन के एजेस हमने रिमूव कर दिए एक बार, ठीक है. अब हम किसको चेक करना चाहते हैं कि वेदर क्यू फोर इज इक्विवेलेंट टू क्यू जीरो और नॉट. तो क्यू फोर पे जब हमने ज़ीरो लगाया, क्यू फोर पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो इट इज़ गोइंग टू क्यू सेवन, क्यू सेवन जा रहा, क्यू सेवन पे जा रहा है, मतलब उसी सेट में जा रहा है जिस पे क्यू ज़ीरो जा रहा है, ठीक है. फिर क्यू फोर पे हमने वन लगाया, क्यू फोर पे जब हमने वन लगाया तो क्यू फाइव पे जा रहा है, क्यू फोर पे हमने वन लगाया तो क्यू फाइव पे जा रहा है. तो अब आप देखेंगे कि क्यू ज़ीरो पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो ये इस सेट में जा रहा है, इस वाले में, और Q4 पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो ये भी इसी सेट में जा रहा है. Q0 पे जब हमने वन लगाया तो ये इसी सेट में जा रहा है, और Q4 पे जब हमने वन लगाया तो ये भी इसी सेट में जा रहा है. मतलब ज़ीरो के ट्रांजिशन पे और वन के ट्रांजिशन पे दोनों स्टेट्स सेम सेट में जा रहे हैं, सेम सेट में जा रहे हैं, तो दीज आर इक्विवेलेंट Q1, सॉरी Q4 को हमने चेक किया है, Q4 इज़ इक्विवेलेंट टू Q ज़ीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है. फिर हम बोलते हैं कि फिर और स्टेट चेक करते हैं कि हो सकता है और कोई भी इसके इक्वल हो. तो हमने क्यू फाइव को चेक किया, ठीक है. तो क्यू फाइव को जब हमने चेक किया तो क्यू फाइव पे जब हमने ज़ीरो अप्लाई किया, क्यू फाइव ज़ीरो लगाने पे, क्यू फाइव ज़ीरो लगाने पे जा रहा है क्यू टू पे, यह आ गया हमारा क्यू टू पे और ज़ीरो लगाने पे जा रहा है, ये ज़ीरो लगाने पे जा रहा है ये Q2 पे, और Q5 पे वन लगाने पे वो जा रहा है Q6 पे, Q6 पे, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इसको सेपरेट इसका ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि एक पे ये जा रहा है फाइनल स्टेट पे और एक में वो सेम सेट में रह रहा है. आप बोलेंगे कि हम इसको इसके साथ Q1 के साथ रख सकते हैं, तक Q1 का हम ट्रांजिशन देखा है कि जब ज़ीरो लगाया हमने Q1 पे, देखेंगे हम कि जब हमने ज़ीरो लगाया Q1 पे तो Q1 से वो नॉन फाइनल पे गया है किसी पे. Q1 पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो वो यही रह रहा है, और Q1 पे जब हमने वन लगाया तो वो फाइनल पे जा रहा है. जबकि Q5 क्या कह रहा है कि Q5 पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो वो फाइनल पे जा रहा है, अदरवाइज़ वो सेम में रह रहा है. तो Q1 और Q5 भी साथ में नहीं आ सकते, तो हम Q5 के लिए अलग से एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है. फिर Q5 हमने चेक कर लिया किसी के साथ नहीं आएगा, Q6 को हमने देखा, तो अब हम देखते हैं Q6, Q6 पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो वो यहीं पे रह रहा है, इसी सेट में रह रहा है. मतलब हम ज़ीरो के साथ इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं, तो ज़ीरो जब लगाया तो ये भी यहीं पे रह रहा है और ये भी यहीं पे रह रहा है, और Q6 पे जब हमने वन अप्लाई किया तो ये Q4 पे जा रहा है, मतलब ये वापस यहीं वन पे भी ये यहीं रह रहा है. जबकि Q0 और Q6 क्या कर, Q0 और Q4 क्या कर रहे हैं, Q0 और Q4 भी ये कर रहे हैं, Q0 और Q4 पे जब हम ज़ीरो लगा रहे हैं तो वो उसी सेट में रह रहे हैं, वन लगा रहे हैं तब भी वो उसी सेट में रह रहे हैं. Q6 भी यही कर रहा है कि जब आप ज़ीरो लगा रहे हो तब भी वो उसी सेट में रह रहा है, और जब आप वन लगा रहे हो तब भी वो उसी सेट में रह रहा है. तो ये Q6 इसके साथ आ सकता है,
ठीक है। अब लास्ट स्टेट हमारे पास में रहा Q7, तो Q7 को हम अगर चेक करें तो जीरो लगाने पे ये Q6 पे जा रहा है, दैट इज Q6 पे, मतलब जीरो लगाने पे। इसको हम इरेज कर देते हैं, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा नीट और क्लीन बनाने के लिए। Q0, Q1, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि Q7 को हमें कौन से ग्रुप में रखना है, Q1 के साथ रखना है, Q0 के साथ रखना है, Q5 के साथ रखना है। तो Q7 पे हमने देखा कि जब हमने जीरो लगाया तो ये इसी सेट में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, और जब हमने Q7 पे 1 लगाया तो ये फाइनल पे चला गया। तो ये जीरो का ट्रांजिशन है और ये 1 का ट्रांजिशन है। तो इनमें से Q7 का बिहेवियर किसके साथ मिल रहा है, Q1 के साथ में, क्योंकि Q1 पे जब आपने जीरो लगाया तो Q1 पे जब हमने जीरो लगाया तो ये यहीं रह रहा था इसी सेट में जीरो लगाने पे, और Q1 पे जब हमने 1 लगाया तो ये फाइनल पे जा रहा था 1 लगाने पे, जो कि Q7 भी यही कर रहा है। Q7 जीरो लगाने पे इसी सेट में रह रहा है और Q7 पे 1 लगाने से हम फाइनल पे जा रहे हैं। तो इसका बिहेवियर, Q7 का बिहेवियर किससे मैच कर रहा है, Q1 से। तो Q1 के साथ हम Q7 रख सकते हैं, ये हमारे सेट्स कंप्लीट हो गए इस लेवल के Pi1 पे, ठीक है। अब हमें इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करना है, तो हमें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है या तो आपका जो नेक्स्ट सेट है आपको सेम एज इट इज ना मिल जाए, मतलब आप बाइफर्केट करना चाह रहे थे लेकिन कोई बाइफर्केशन हुआ ही नहीं, फर्दर डिवीजन नहीं हुआ किसी भी सेट का, तब तक आपको करना है, या फिर सारे एलिमेंट्स आपको इंडिविजुअल मिल जाएं। तो अभी हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स इंडिविजुअल मिले हैं, Q2 और Q5, इन दोनों में अभी भी बाइफर्केशन की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम चेक करेंगे बाइफर्केशन की पॉसिबिलिटी फॉर Q1। तो अब हम रेडी करेंगे हमारा Pi2, दिस विल बी Pi2, नेक्स्ट सेट हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट में जो इंडिविजुअल है उनको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, तो Q2 तो आएगा ही आएगा और Q5 एक स्टेट होगा ही होगा, यह हम मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा की स्टेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं अब, है ना। तो अब हमें देखना है कि Q1 और Q7 को साथ रहना है या नहीं रहना है। तो देखिए Q1 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 एंड 1, Q1 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0, Q1 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 इज गोइंग टू Q6, Q6 पे जा रहा है, मतलब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 ये इस सेट में जा रहा है, ठीक है। Q7 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0, Q7 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 Q6 पे जा रहा है, तो ये भी सेम सेट में जा रहा है। 0 के एप्लीकेशन पे तो हमने देख लिया, अब अगर 0 पे सेम है तो हमें 1 के लिए चेक करना है। तो 1 पे ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 इट इज गोइंग टू Q2, ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 इट इज गोइंग टू Q2, और ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 ऑन 7, Q7 पे जब हमने 1 लगाया तो ये भी कहाँ जा रहा है, Q2 पे। तो आप देखेंगे कि Q1 और Q7 0 के एप्लीकेशन में सेम सेट में जा रहे हैं, और Q1 और Q7 1 के एप्लीकेशन में सेम सेट पे जा रहे हैं। तो ये अभी भी कह रहे हैं कि हमें अलग नहीं होना है, हम सेम सेट पे जा रहे हैं, सेम सेट पे जा रहे हैं, तो सेम सेट में आप इनको रख सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारा डिवीजन अभी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इस सेट में जा रहे हैं 0 के एप्लीकेशन में, और 1 के एप्लीकेशन में ये इस पे जा रहे हैं। तो एक सेट हमें और मिल गया। अब बाइफर्केशन की पॉसिबिलिटी किस में है, Q0, Q4 और Q6 को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अब हम उनके लिए देखते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 Q0 कहाँ जा रहा है, Q0 इज गोइंग टू Q1, Q0 गोइंग टू Q1 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, 0 के एप्लीकेशन पे ही यहाँ जा रहा है। फिर Q4 कहाँ जा रहा है, Q4 0 के एप्लीकेशन पे Q7 पे जा रहा है,
Q4 0 के एप्लीकेशन पे Q7 पे जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम सेट में जा रहे हैं 0 के ट्रांजिशन पे। अब हम बात करते हैं, चलो हम पहले यही देख लेते हैं कि Q0 Q4 इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो Q0 1 के एप्लीकेशन पे कहाँ जा रहा है, Q0 1 के एप्लीकेशन पे Q5 पे जा रहा है, Q0 1 के एप्लीकेशन पे Q5 पे जा रहा है, ठीक है, और Q4 1 के एप्लीकेशन पे Q5 पे जा रहा है, ये भी इसी सेट में जा रहा है। देखा आपने कि Q0 और Q4 0 के एप्लीकेशन पे इस सेट में आ रहे हैं और दोनों ही 1 के एप्लीकेशन में इस सेट पे जा रहे हैं, सेम सेट में ट्रांजिशन हो रहा है सेम इनपुट लगाने पे। तो ये दोनों कह रहे हैं कि हमें भी एक साथ रहना है, इनको भी एक साथ रहना है, तो Q0 और Q4 का हमारे पास में एक और सेट बन गया, ठीक है। फिर अब हम देखना चाह रहे हैं कि Q6 भी इनके जैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है क्या। तो हमने बोला Q6 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0, Q6 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 इसी सेट में है, Q6 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0 यहीं रह रहा है, सेम पे जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करने के लिए जरूरत नहीं है 1 के लिए, क्यों, क्योंकि 0 पे ये दोनों तो डिफरेंट सेट में जा रहे हैं और ये डिफरेंट सेट में जा रहा है 0 के एप्लीकेशन पे। तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि Q6 को इनके साथ में नहीं रहना, क्योंकि 0 के एप्लीकेशन में वो दोनों तो किसी एक सेट में जा रहे हैं और Q6 किसी दूसरे सेट में जा रहा है, तो Q6 को हमें अलग रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से Q6 भी अब अलग हो गया। अब हम बोलेंगे ये सेट हमें एक और मिल गया, अब हम नेक्स्ट सेट ढूंढते हैं, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी है बायफिकेशन की, डिवीजन की, क्या कि Q1 Q7 और Q0 और Q4 अभी भी डिवाइड हो सकते हैं क्या। तो हम एक बार वैसे ही देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सेट होगा π3, उसमें Q2 आएगा हमारे पास अलग सेट अलग स्टेट, Q5 अलग बन गया है हमारे पास, Q6 हमारे पास अलग बन गया है, और Q1 Q7 का हम चेक करते हैं, ठीक है। तो Q1 और Q7 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, ये Q1 पे जा रहा है, सॉरी ये फाइनल पे जा रहा है, 0 का एप्लीकेशन देखते हैं, तो ये Q6 पे जा रहा है और ये भी Q6 पे आ रहा है, देखेंगे हम Q1 और Q7 दोनों ही Q6 पे आ रहे हैं, और 1 के ट्रांजिशन पे दोनों ही फाइनल में जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमें अभी भी साथ रहना है। ये क्या हो रहा है, ये 0 के एप्लीकेशन में यहाँ आ रहा है, 0 के एप्लीकेशन में यहाँ आ रहा है, और 1 के एप्लीकेशन में दोनों फाइनल पे जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कह रहे हैं कि हमें अभी भी साथ रहना है, क्योंकि हम 0 के ट्रांजिशन पे भी सेम सेट पे जा रहे हैं और 1 के ट्रांजिशन पे भी सेम सेट पे जा रहे हैं, तो Q1 Q7 को डिवाइड नहीं करना है हमें, ठीक है। अब बची बात किसकी, Q0 और Q4 की, तो Q0 Q4 हम चेक कर लेते हैं। तो Q0 और Q4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, Q0 एंड Q4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, ये Q1 पे जा रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, और Q4 Q7 पे जा रहा है, ये देखिए Q0 और Q4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0, ये Q1 पे जा रहा है और ये Q7 पे जा रहा है 0 के एप्लीकेशन पे, तो दोनों सेम सेट में जा रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 0। अब हम बात करेंगे इनके 1 ट्रांजिशन की, तो Q0 1 के ट्रांजिशन पे Q5 पे जा रहा है और Q4 भी 1 के ट्रांजिशन पे Q5 पे जा रहा है, ये भी यहाँ जा रहा है 1 के ट्रांजिशन पे, ये भी यहाँ जा रहा है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि दोनों 0 के ट्रांजिशन पे सेम सेट पे जा रहे हैं, 1 के ट्रांजिशन पे सेम सेट पे जा रहे हैं, तो ये भी कह रहा है हमें भी डिवाइड नहीं होना, अगर नहीं डिवाइड होना तो फिर हम इनको एक साथ रख देते हैं Q0 एंड Q4। अब हमें और आगे फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या पाए, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ये प्रोसीजर हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमें या तो सारे इंडिविजुअल सेट्स स्टेट्स ना मिल जाएं और या फिर हमें सेम ऊपर वाले के जैसे सेट ना मिल जाए। तो अगर हम इसको π2 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिएगा यही तीन यही पांच स्टेट्स थी, Q2 Q5 Q6 Q2 Q5 Q6 Q1 Q7 एक साथ, तो Q1 Q7 एक साथ, और Q0 Q4 एक साथ, तो Q0 Q4 एक साथ, कोई बायफिकेशन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है अगर हम कंपेयर करें इसको π2 से। तो
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब अगर हम बोलें कि अब आगे फर्दर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फाइनली ये जो सेट स्टेट्स हैं ये हमारे मिनिमाइज ऑटोमेटा में रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक्चुअली कितनी स्टेट्स थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो हमने एलिमिनेट कर दी, 8 स्टेट्स थी। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद द 5 स्टेट्स Q2, Q5, Q6। ये कंबाइंड एक स्टेट बनेगी और ये कंबाइंड एक स्टेट बनेगी। तो अगर इसी से हम मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, Q2 को इंडिविजुअल रहने दीजिए, Q5 को इंडिविजुअल रहने दीजिए और Q6 को इंडिविजुअल रहने दीजिए, Q1 और Q7 को हम मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम बना देते हैं उसको, इनिशियल स्टेट से हम ले लेते हैं। तो इनिशियल हमारा Q0 था, तो Q0, Q4 हमने सबसे पहले ले लिया, एक स्टेट बना दिया इसका। देन Q1, Q7 एक स्टेट बन जाएगा हमारे पास। तो हम मान लेते हैं Q1, Q7 हमारे पास एक और स्टेट बन गया, फिर Q2 एक फाइनल स्टेट है ही हमारा, तो उसको हमने फाइनल बना दिया। और एक हमारे पास Q5 हो गया और एक हमारे पास Q6 हो गया। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हमने बना दिए। कौन सी वाली बनानी है हमें, अब जो हमें Py3 के अंदर मिली है वो 5 स्टेट्स हमें बना दी। अब इनके ट्रांजिशन देखते हैं। तो ये ट्रांजिशन हम कैसे देखेंगे, मेन ऑटोमेटा से देख लेते हैं कि Q0 और Q4 कहाँ जा रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जीरो। तो आप देखोगे कि Q0 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जीरो Q1 पे जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ जीरो, और Q4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ जीरो कहाँ जा रहा है, Q7। तो Q4 Q7 पे जा रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ जीरो। तो एक ही सिंगल लेबल से या एक सिंगल एज से हमने ये काम कर दिया। फिर Q0 और Q4 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 कहाँ जा रहे हैं, तो Q0 को अगर हम देखें ऑन एप्लीकेशन Q5 पे जा रहा है ये, तो ये हमारा यहाँ आ गया ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1। और अगर हम Q4 को भी देखें तो Q4 भी ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। तो Q5 पे हमने एज बना दिया है। ठीक है, तो अब हम अगर Q5 से स्टार्ट करें तो Q5 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 Q2 पे जा रहा है, 0 Q2 पे जा रहा है, और Q5 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 Q6 पे जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 Q6 पे जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम Q6 की बात करें तो Q6 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 सेम लूप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और Q6 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 गोइंग टू Q4, तो Q4 जा रहा है, तो Q4 मतलब हम इसको इस स्टेट में भेज सकते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1। ठीक है, तो Q6 का हो गया। Q2 का हम देख लेते हैं, Q2 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 Q0 पे जा रहा है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0। ठीक है, और Q2 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1, ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 सेल्फ लूप है, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 सेल्फ लूप यहाँ जा रहा है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q1 और Q7 की। तो Q1 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 इट्स गोइंग टू Q6, तो ये यहाँ कहाँ आ रहा है, Q6 पे, और Q7 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 0 कमिंग टू Q6। ठीक है, Q1 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 Q1 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 गोइंग टू फाइनल स्टेट। तो आप देखेंगे कि Q7 ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 अगेन गोइंग टू फाइनल स्टेट। तो ये ऑटोमेटा हम बोल सकते हैं कि दिस इज द मिनिमाइज्ड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि हाउ कैन वी मिनिमाइज अ गिवन ऑटोमेटा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें अनप्रोडक्टिव स्टेट्स कौन सी हैं। अनप्रोडक्टिव स्टेट्स आ गई डेड स्टेट्स, अनरीचेबल स्टेट्स और इक्वल स्टेट्स। डेड स्टेट्स वो हैं जहाँ से हम वापस फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, वंस वी हैव रीच दोज स्टेट्स वी कैन नॉट मूव टू द फाइनल स्टेट। तो ये कौन सी हो गई हमारी डेड स्टेट्स, अगर मोर देन वन आपके सिस्टम में, अगर वन ही है तो उसको लेट इट बी, उसको रखें हम, और अगर मोर देन वन है तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं एक में। दूसरा पॉइंट है हमारा अनरीचेबल स्टेट्स का। तो अनरीचेबल स्टेट्स आर दो स्टेट्स वेयर वी कैन नॉट रीच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, जहाँ पे हम इनिशियल स्टेट से नहीं पहुँच सकते। तो ऐसे स्टेट्स को हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते, दोज आर द अनरीचेबल स्टेट्स, दोज आर यूजलेस फॉर अस।
तो हम अनरीचेबल स्टेट्स को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं. फिर तीसरा हमारा पॉइंट आता है इक्वल स्टेट्स. इक्वल स्टेट्स हम फाइंड आउट करेंगे नॉट बाय द स्टेट इट इज़ गोइंग टू, कि कौन सी स्टेट पे जा रहा है वो नहीं देखना, हमें किस नेचर का स्टेट है, वेदर इट इज़ इन द सेम सेट और इट इज़ इन सम डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सेट. तो अगर जितने भी अपने पास में इनपुट्स हैं उन सब के लिए हम उनको चेक करेंगे. तो जैसे हमारे पास में 0 और 1 था, तो हमने 0 और 1 के लिए सारी इक्वल स्टेट्स चेक की. इक्वल स्टेट्स को हमें सेम सेट के अंदर रखना है और जो अनइक्वल या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही हैं उनको हमें डिफरेंट स्टेट में रखना है और इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमारा बायफर्केशन का प्रोसेस रुक नहीं जाता. बायफर्केशन का प्रोसेस कब रुकेगा? जब आपको ऊपर वाले से नीचे वाले के अंदर भी सेम स्टेट्स मिल रही हैं, सेम सेट्स मिल रहे हैं, और या फिर सबका हमने बायफर्केशन कर दिया, यू आर गेटिंग द इंडिविजुअल स्टेट्स. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी वी हैव मिनिमाइज द गिवन ऑटोमेटा. अगर आपको लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट कीजिए. और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.